بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم अमीर मोहतरम जमीयत अहले हदीस मालेगाँव मोहतरम हाज़रीन और सामेईन, कई हफ़्तों के वक्फे के बाद कई हफ़्तों के नाहे के बाद फिर से हम शुबहात के फितने से मुतालिक अपने दर्स का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें इखलास और इस्तेकामत दे, इन दुरूस के ज़रिए से दुनिया और आखिरत का फ़ायदा अता फरमाए। खवारिज पर गुफ्तगू जारी थी, खवारिज और खारजियत, इसके तारुफ में हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया और हमारे सामने इस सिलसिले की मुतअद्दद किताबों में से मैंने एक किताब का इंतखाब किया, फ़ैसल बिन कज़ार अल जासिम की हकीकतुल खवारिज फिश शरए व अबर तारीख। शरीयत में खवारिज की हकीकत क्या है और तारीख में मुख्तलिफ अदवार में इनका किरदार क्या रहा। हमारा असल मकसद इस दर्स में खवारिज के तारुफ के साथ साथ ये है कि मौजूदा दौर में खारजियत के फितने के जो जरासीम पाए जाते हैं, इसकी फ़िक्र के जो असरात मुसलमान ग्रोहों में मौजूद हैं, हम उसकी शनाख्त और मारिफत हासिल करें ताकि अपने नौजवानों को और अपने आप को इससे बचा सकें। चुनांचे इस ज़िम्न में तमहीदी तौर पर ख़ुद साहिब किताब ने इब्तिदा में खारजियों के तारुफ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात नकल किए हैं। पिछले दर्स में बाज़ हदीसों को पेश किया गया था, मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें इन्होंने चंद और हदीसें पेश की हैं, बहुत सारी हदीसों में से ये मुंतखब मजबूत रिवायतें इन्होंने नकल की है। इससे पहले गालिबन हज़रत ज़ैद बिन वहब अलजोहनी की हदीस का तस्करा हुआ था और उससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसमें खवारिज की हज़रत अली की रिवायत जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की है उसमें उमूमी सिफ़ात के साथ एक और जुमला जो दूसरी रिवायतों में नहीं है, खवारिज के बारे में कहा था कि सयख़रुजु फ़ी आख़िरि ज़मानि क़ौमुन, के आखिर ज़माने में एक ऐसी कौम खुरूज करेगी, निकलेगी, ज़हूर पज़ीर होगी। हाँ, अहदासुल अस्नान, अहदासुल अस्नान जो उम्र में, अस्नान सिन, सिन की जमा है उम्र, उम्र में कम होंगी, नए नए होंगे यानी कम उम्र, व सुफहाउल अहलाम, अहलाम हिल्म की जमा, अक्ल के एतबार से बेवकूफ़ होंगे यानी कम उम्र कम अक्ल। इसी बुनियाद पर अहले इल्म ने कहा, इससे मालूम होता है कि इंसान की अक्ल की पुख्तगी के लिए तजुर्बाकार होना, साहिब इल्म होना और एक पुख्तगी तक तजुर्बात से गुजरने के बाद, एक पुख्तगी तक पहुंचने के बाद उसके बारे में ये इतमाद किया जा सकता है कि उसकी अक्ल और शऊर पुख्ता हो गए। उसके बाद कहा था कि वो सबसे बेहतरीन बात कहेंगे, या कोलोना मिन कौल खैर बरिया, लोगों के मुकाबले में बेहतरीन सबसे अच्छी बात कहेंगे। अब या तो कुरान की बात कहिए या यूँ कहिए कि जाहिर में उनकी बातें बड़ी खूबसूरत, पुरकशिश, अच्छी होगी, शरीयत के मुताबिक नज़र आएगी, लेकिन बातें में उसमें उतनी ही खबासत होगी। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुककर सोचिए कि बाज़ मरतबा हमारे यहाँ कुछ उलमा, जैसे आप बाज़ रवाफिज़, बाज़ अहले बिदत की तकरीरें सुनिए, उनके उलमा या उनके खुतबा या कुछ ऐसे लोग जो अपने किसी और फ़न के माहिर होते हैं, उनकी तहरीर और तकरीर बड़ी पुरकशिश, बड़ी पुरलज्जत और ऐसी होती है कि पढ़ने वाला सुनने वाला मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कल के दर्स में भी थोड़ी सी इस तरह की बात आई थी कि ये बात जहन नशीन रहे, उनकी नमाज के सामने अपनी नमाज को हम कमतर समझेंगे, उनकी किरत रोज़े के सामने अपनी किरत और रोज़े को कमतर समझेंगे, लेकिन वो दीन से निकल जाएंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया।
और यहाँ कहा कि वो कम उम्र होंगे, कम अकल होंगे, बातें बड़ी बेहतरीन करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। तो लज्जत तकरीर से और अच्छी गुफ्तगु से सिर्फ मुतासिर ना हुआ जाए, बात सिर्फ अच्छी हो ये काफ़ी नहीं है, सच्ची होना भी ज़रूरी है। कभी कभी सच्ची बात को पेश करने वाला पेश करने में झूठी बात को पेश करने वाले के मुकाबले में उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन ये सुनने वाले का काम है कि महज जोरे बयान से मुतासिर होकर गलत और बातिल बात को कबूल ना कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात में हम यूं ही सरसरी तौर से गौर ना करें। खवारिज की जो अलामतें आपने बताई हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, इनकी रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसले की बातें बयान करते हैं। इसके ज़िम्न में बहुत सारी बातें खुद ब खुद सिमटी हुई नज़र आएगी अगर हम तफसील में जाएं। यही वजह है कि इन हदीसों की रोशनी में उलमाए कराम ने खवारिज की जो सिफात और पहचान बयान की हैं वो बड़ी तुल तवील है, और वो अहादीस रसूल और खवारिज की तारीखी जो कारकर्दगियाँ हैं उनकी रोशनी में बयान की गई हैं। लिहाजा बहुत गौर से सुने कि वो बड़ी मीठी और बेहतरीन बात करेंगे। कुरान यकरऊन अल कुरान, कुरान पढ़ेंगे लेकिन ये उनकी गले से आगे नहीं बढ़ेगा, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को छेद कर उससे बाहर निकल जाता है। फ़ैज़ा लकी तुमूहुम, ऐसे लोगों से जब तुम्हारी मुलाकात हो, मिलो, सामना हो, तो उनसे मुतासिर मत हो जाओ, उनके पीछे मत चलने लगो, उनकी क्लिप्स और तकरीरें सुनकर उसे लाइक मत करो, बल्कि फ़इन्ना फ़ख्तलुहुम, उनको कत्ल कर दो। फ़इन्ना फ़ी क़त्लिहिम अजरन लिमन क़त्लहुम इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, इसलिए कि जो उन्हें कत्ल करेगा उनके कत्ल करने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह के पास अजर मिलेगा। अब ये कत्ल करना भी सहाबा कराम और उन मोमिनों के से ख़िताब है जो इसकी क़ुव्वत रखते हैं, ताकत और क़ुव्वत तनफीज़ रखते हैं। हमारे और आपके पास ये क़ुव्वत नहीं है, हुकूमत नहीं है, तो ये मामला अभी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद ज़ैद बिन वहाब जोहनी की एक रिवायत थी, उसमें तकरीबन इसी मजमून का तस्करा करते हुए आखिर में कहा गया कि जो लश्कर इनसे किताल करेगा और इनको नुकसान पहुंचाएगा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उनके लिए ऐसे अजर व सवाब का वादा है कि अगर वो जान जाएँ इसको, वो जान जाएँ कि कैसा कैसा बेहतरीन फ़ैसला और अजर व सवाब उनको मिलना है, तो वो अमल के मुकाबले में इसी अमल पर तकिया कर ले। मतलब ये कि वो ऐसा समझें कि हमने ये इतना बेहतरीन अमल किया कि यही अमल आखिरत में हमारी कामयाबी के लिए काफ़ी होगा। उनकी एक निशानी ये भी बताई बाद में, गोया ये मखसूस ग्रोह जो उस वक्त पैदा होगा कि उनके दरमियान एक ऐसा आदमी होगा जिसका बाजू तो होगा लेकिन ज़रा नहीं होगा। बाजू तो होगा, ये ज़रा बीच का हिस्सा नहीं होगा, और उसके सिरे पर जो है वो औरतों का जो पिस्तान होता है उसके सिरे की तरह उभरा हुआ हिस्सा गोश्त होगा, जिस पर के कुछ सफ़ेद बाल होंगे। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक शायद हमने पढ़ा था, मुझे कुछ शक हुआ इसलिए मैंने पीछे की दो रिवायतों का कुछ खुलासा पेश किया। नंबर छः पर इन्होंने कहा हज़रत उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला हैं, आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उन्होंने ये रिवायत बयान की कि आप फरमाते हैं कि इन्नल हरूरिया लम्मा खरजत, वो बयान कर रहे हैं अभी राफ़े उबैदुल्लाह इब्न अबी राफ़े, कि हरूरिया खवारिज का कई नाम है, शायद आगे इन्होंने कहीं जिक्र किया हो, खवारिज को कई नाम से पुकारा जाता है, उसमें से एक नाम है हरूरिया, हरूरी। हरूरा एक मकाम था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से इख्तिलाफ़ और खुरूज करने के बाद ये लोग वहाँ जाकर ठहरे थे उस मकाम पर जिसका नाम हरूरा था। ये कूफा से करीब है, कूफा के एक पहलू में है, कूफा से करीब है, चुनांचे इनको उसकी तरफ निस्बत करके हरूरी कहा जाता है। इसी तरह इनका एक नाम शुरात है, बेचने वाले, ख़रीदने और बेचने वाले, शरा बायोशरा जो कहा जाता है उससे। ये कहते थे कि हमने अपने आप के बदले में जन्नत ख़रीद दिया, जो कुरान में अल्लाह ने कहा इन्नल्लाहश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्नल्लहुमुल जन्ना, तो कह के जन्नत के बदले में हमने अपने आप को बेच दिया है, इसलिए इनको शुरात भी कहा जाता है। इनका एक नाम अशक्काकिया है,
कि ये इमारत के सिलसिले में शक करने वाले, इनका एक नाम अहलुन नहरवान है, नहरवान वाले, क्योंकि नहरवान के मकाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे क़िताल किया था और इनको जो है कत्ल किया, शिकस्त दी थी। और भी दो तीन नाम हैं, फिर इनके फ़िरक़े हैं, मैं सिर्फ यहीं तज़किरा कर दूँ। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि इनके 18 फ़िरक़े हैं। इमाम इस्फराइनी कहते हैं कि 20 फ़िरक़े हैं, और बाज़ लोगों ने और भी 18, 20, किसी ने 25 तक कहा। इनके इतने फ़िरक़े हैं, ये जो फ़िरक़े बने आपस में कुछ इख्तिलाफात और बाज़ उसूलों में तफरीक की वजह से, उन फ़िरक़ों में से एक इब्बासिया है। हाँ, ये नाम हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ नया हो, या हमारे यहाँ चूँकि उसका तस्करा नहीं होता तो लोगों ने नहीं सुना होगा। अभी अज़ारिका हदीसों में ही उसका तस्करा, आगे रिवायतों में तस्करा आएगा। अब्दुल्ला बिन नाफे अज़रक की तरफ निस्बत करके एक उसमें से एक गुरोह बना अज़ारिका। हाँ, ऐसे और भी कई नाम हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि यहाँ जो इस्तेमाल हुआ हरूरिया, इस बुनियाद पर ये थोड़ी सी तशरीह की कि हरूरिया जब निकले वहवा मा अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि ये अबू राफे जो हैं, इब्न अबू राफे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। कालू, तो उन हरूरियों ने कहा, ख़वारिज ने कहा, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म नहीं है मगर अल्लाह का, फैसला हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा और हकम फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है। काला अली, तो जब ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो फरमाया, कलेमतु हक्किन उरीद बिहा बातिल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल ज़र्बुल मसल की तरह मशहूर है, और ये याद रखना चाहिए, और ये अक्सर होता है कि ये बात तो सही है, हज़रत अली ने कहा, ख़वारिज ने जो बात कही थी, किस पसे मंज़र में कही थी, हज़रत अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इख्तिलाफ़ के तस्फ़िये के लिए अपनी अपनी जानिब से एक एक हकम मुकर्रर किया था, हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा को। हज़रत अम्र बिन आस मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से थे, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली की तरफ से थे। तो ख़वारिज का कहना यह था कि आपने इंसानों को हकम कैसे बना लिया, ऐसा करके आपने शिर्क किया, कुफ्र किया, और ये हकमाइन पर राज़ी होने वाले सिर्फ अमीर मुआविया और हज़रत अली नहीं, इन दोनों हकम और तमाम सहाबा और उनसे मुतालिक जितने लोग मौजूद थे उन सबको ये काफिर कहते हैं। और उन्होंने ये बात हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया ने, और ये जो हकम का मुकर्रर करना इख्तियार किया था, इसी के तनाजुर में ये बात कही थी, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह का है। ये अच्छी तरीके से दिमाग में रखें। आजकल जो तहरीकी हैं, तहरीकियों में जब मैं तहरीकी कहता हूँ तो जो कई फ़िरके जो आज इनकलाब की बात करते हैं, सियासी इस्लाम की बात करते हैं, उसमें इख्वानी, कुतुबी, सुरूरी, और फिर हमारे यहाँ जमात इस्लामी और उनके जो बगल बच्चे हैं, हाँ, वो सारे लोग मुराद हो जाएंगे। ये तहरीकी भी इसी किस्म की बात करते हैं कि जिस शख्स ने, हाँ, हुकूमत और सियासत के मामले में अगर कोई दूसरा कानून इख्तियार किया, किसी को हकम बनाया, तो उसने कुफ्र किया। हम इसका जायज़ा आगे लेंगे कि उनकी ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, बाज़ हालतों में ये उमूमी तौर से नहीं होती है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो मैं हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन ख़वारिज से मुनाज़रा किया था और कई 2 लाख के 4 लाख लोगों ने तौबा करके वापस रुजू कर लिया था। उसमें उनके इसी एतराज़ का पहला जवाब, 3 सवाल किया था उन्होंने, तो पहला एतराज़ ये किया था कि अल्लाह के अलावा किसी को हकम नहीं माना जा सकता। हज़रत इब्ने अब्बास ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि ये बताओ, इस रवायत से हट के मैं उनके इस्तेदलाल का खोड़ बता रहा हूँ, ये बताओ कि हुकूमत और मुसलमानों की जमात का मामला अहम है या मियाँ बीवी का मामला अहम है? कहा, हुकूमत और जमात का। तो कहा, अल्लाह तबारक व ताला ने मियाँ बीवी के झगड़े को सुलझाने और उसका तस्फिया कराने के लिए कुरान मजीद में हुक्म दिया, फबअसु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, कि एक हकम, वो प्रोसीजर बताया कि बीवी को किस तरीके से समझाए बुझाए, ज़रूरत पड़ने पर हल्की मार मारे, बिस्तर अलग करे, हाँ, और फिर उसके बाद भी बात ना बने तो मर्द के घर से एक हकम, हम उसको अपनी ज़बान में पंच कह लें, फैसल कह लें, सालिस कह लें, तो एक हकम आदमी के घर से, एक हकम खातून या बीवी के घर से, दोनों को बुला लो और आपस में बातचीत करा के तस्फिया निकाल लो, अल्लाह ताला कोई राह पैदा कर देगा अगर वो इस्लाह चाहते हैं।
یہ قرآن نے کہا. حضرت ابن عباس نے خارجیوں کو جواب دیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ حکومت کے معاملے میں حضرت علی حضرت معاویہ نے رضی اللہ عنہما حکم بنایا تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ بیوی اور شوہر کے بیچ کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کرو. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ خود کفر کا حکم دے رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام کا علم انتہائی گہرا مضبوط جڑوں والا تھا, ہم لوگوں کا علم شاخ پتیوں کے میں گھومتا ہے. تو اللہ حضرت ابن عباس کا یہ جواب کتنا زبردست. پھر ایک اور بھی انہوں نے دلیل دی کہ قرآن میں وہ اشہدو ذوائے عدل منکم کیا ہے, وہ یحکمو, جب اگر کوئی حاجی حالت احرام میں شکار کر بیٹھے تو اس کو دم دینا ہوگا. کون سا دم دینا ہوگا؟ تو کون سا جانور اس نے مارا ہے, شکار کیا ہے, اس اعتبار سے دو حکم ہاں اس کا فیصلہ کریں گے. تو شکار کے بدلے میں کس بات کا, کس جانور کا دم دینا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ حکم بناؤ. تو کیا تمہارے اعتبار سے یہ کفر ہے؟ یہ حکم بنانا, فیصل بنانا, جو فیصلہ کر رہے ہیں, اصل فیصلہ تو معاملے کو دیکھ کر کیا جائے گا انصاف کے تقاضے کے مطابق. اور انصاف کا تقاضا یا انصاف کہاں سے ہوگا؟ قرآن و حدیث سے ہوگا. تو اگر کوئی حکم قاضی فیصل پنچ مقرر کیا جاتا ہے اور اس کو یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو یہ کوئی غلط نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. خارجیوں نے یہ بات نہیں سمجھی. اب یہ ایک چیز سامنے رکھیے, خارجیوں کی سمجھ حضرت ابن عباس کا جواب, اور آج کے ہمارے یہاں تحریکیت کے نام پر ہمارے نوجوان کوئی بھی حکومت کا کوئی معاملہ فیصلہ ہوتا ہے جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں, ان کے لئے آج کل جو جمہوریت چلتی ہے نا, جمہوری مزاج, ہر انسان اپنے اپنی رائے پیش کرے, یہ جمہوریت کے مزاج نے دراصل خارجیت کے مزاج کو تقویت دی ہے. اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے, اس طرح سر عام چلتے چلتے زبان سے, اخبار سے, عرب سے. اس کے آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے کتاب کے آخر میں کہ موجودہ دور میں خارجیت کے علامتیں اور صفات کس کس شکل میں پائی جاتی ہیں. بڑا پیارا باب ہے اور تھوڑی لمبی گفتگو ہے, انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ خوارج کہتے ہیں لا حکم الا اللہ, یا حروری کہتے ہیں حکم نہیں ہے مگر اللہ کا. قال علی کلمت حق اريد بها الباطل, یہ بات سچی ہے لیکن اس سے مراد باطل لی گئی ہے. سچ بول کر مقصد باطل کا ہے, غلط چیز کا ہے. حق بول کر باطل مراد لیا گیا ہے. آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ کہتے صحیح بات ہیں لیکن مقصد غلط ہوتا ہے. ہاں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں, پہلے کہا کہ انہوں نے جو بات کہی الفاظ یا بات تو سچی ہے لیکن ان کا مقصد جس چیز پر وہ فٹ کر رہے ہیں, جو استدلال کر رہے ہیں, وہ غلط ہے, باطل ہے. اس کے بعد آپ نے حدیث پیش کی, کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف اناسا انی لاعرف صفتهم فی ہؤلاء یقولون الحق بألسنتهم لا یجوز ھذا منھم واشار الی حلقہ. ایک صحابی رسول اب اللہ کے رسول کی تشریح کر رہے ہیں, جو اب تک حدیث سے سنیے دیکھیے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفت بیان کی ہے, پہچان بتائی ہے, میں اس صفت کو, ان کی صفت کو ان لوگوں میں دیکھ رہا ہوں. انی لاعرف, میں پہچان رہا ہوں صفت ہوں ان کی صفت, جن لوگوں کی اللہ کے رسول نے صفت بیان کی, فی ہؤلاء, ان لوگوں میں, یقولون الحق بألسنتهم, ان کی صفت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے حق بات کہتے ہیں لیکن لا یجوز ھذا منھم, لیکن ان کے اندر اس سے آگے نہیں بڑھتی. وہ اشارہ الی حلق, ہی اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ زبان سے تو سچی بات کہتے ہیں لیکن اس کی, ان کی یہ بات اس سے آگے نہیں بڑھتی. ہاں, من ابغض خلق اللہ الیہ, ہاں, اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ, سب سے زیادہ مبغوض لوگ ہیں. چھوٹی بات نہیں ہے یہ. ایک مومن بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ ہم ان اوصاف سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ صفات جن کے اندر ہوگی وہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے برے اور بدترین ہوں گے. ہاں, اب یہ ایک بات دماغ میں رہے, کل کی گفتگو میں آئی تھی بات کہ عقیدے کا بھی کی بدعت بھی ہوتی ہے اور عمل کی بھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج کی یہ جو صفات بیان کی جاتی ہے جا رہی ہے, کچھ صفات ممکن ہیں کہ ایک ہی آدمی میں ساری صفات موجود ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں میں عقیدہ اور پھر پوری دوسری صفات ہوں,
اور بعض میں کچھ صفات ہوں گی کچھ صفات نہیں ہوگی. کچھ صفات بھی اگر آ گئی جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چار خصلتیں کسی شخص میں ہوگی تو پکا منافق, اگر ایک ہوگی تو منافقت کی ایک علامت ہوگی اس کے اندر, بات کرے تو جھوٹ بولے گا, جھگڑا کرے تو گالی دے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت دیا جائے تو امانت کی میں خیانت کرے, تو ایک ہوگی تو وہ ایک علامت ہوگی. اب یہ عملی نفاق کی بات ہے, میں سمجھانے کے لیے بطور مثال میں نے پیش کیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی انتہائی مبغوض مخلوق ہوگی, منہم اسود, ان میں ایک سیاہ آدمی ہوگا جس کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ میں ایسا ہوگا جیسے بکری کا تھن, او حلمت و صدیل, یا پھر تھن کا سرا, سرے پستان جس کو کہتے ہیں حلمہ, سرے پستان کی طرح ہوگا معاملہ. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. نمبر 7 پر انہوں نے حدیث پیش کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعدی من امتی او سیکون بعدی من امتی, دونوں میں سے کوئی الفاظ کہا, معنی دونوں کا ایک ہے کہ میری امت میں, میرے بعد میری امت میں قوم, ایک قوم ہوگی, یقرؤون القرآن, قرآن کی تلاوت کریں گے, پڑھیں گے, لا یجاوزو حلاقی مہم, ان کے حلقوں, حلق سے تجاوز نہیں کرے گا قرآن. یہ بہت بار بار یہ صفت بیان کی جاتی ہے, اس میں تنبیہ ہے. ہم لوگ کسی کو, میں نے کل کے درس میں کہا کہ اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ بہت قرآن پڑھ رہا ہے, بہت نماز پڑھ رہا ہے, مسجد پکڑا ہوا ہے, تسبیح کے دانے گھما رہا ہے, تو عام اور ایک عمومی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تصور یہ ہوگا کہ بڑا دیندار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن خوب پڑھیں گے لیکن بے دین ہوں گے, دیندار نہیں. تو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیں ایسے لوگوں سے, منحج دیکھیں, عقیدہ دیکھیں, ان کا طرز اور دین کا مزاج دیکھیں. یہ کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی نہیں رکھی, متنبہ کیا, یہ یوں ہی بیان کر دیا آپ نے, بلا وجہ بیان کیا ہے, اس کی ہمیں ضرورت ہے, قیامت تک کے لوگوں کو ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا سنت و تعلیمات کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے, اور جو مسائل کا حل بیان کیا گیا جب بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہیں. ہاں, یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمی ثم لا يعودون فیه, یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے کمان تیر جو ہے شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے, ثم لا يعودون فیه, پھر وہ اس میں واپس نہیں پلٹیں گے. ہم شر الخلق والخلیقہ, مخلوق اور خلق اور خلیقہ میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے. ہاں, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ پھر دوبارہ نہیں پلٹیں گے, یعنی اسلام سے اس طرح نکلیں گے کہ پھر انہیں توفیق نہیں ملے گی کہ واپس پلٹیں. شروع شروع میں کچھ لوگوں نے توبہ کی, لیکن یہ خروج کا ایک مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واپس نہیں پلٹیں گے, یعنی اپنی بدعت سے اس میں داخل ہو جانے کے بعد نکلیں گے نہیں, عموماً یہی ہوگا. عن سیرین ابن عمر, عن یسیر ابن عمر رضی اللہ عنہ قالا, یسیر ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابی رسول ہے, ان سے پوچھا حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج, کیا آپ نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے؟ فقال سمعتہ, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے. وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ, اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا, مکہ مدینہ سے مشرق کی طرف, وہ عراق کا علاقہ پڑتا ہے جس میں کوفہ وغیرہ آتا ہے, جو فتنوں کی سرزمین رہی ہے اور ہے. ہاں, قال سمعتہ واشارہ بیدہ نحو المشرق, قوم یقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرمی. یہ جملہ بار بار گزرا, اس لیے آگے بڑھتے ہیں. 90 نمبر پر ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں, ثم يخرج الناس من قبل المشرق, پھر مشرق کی سمت سے کچھ لوگ نکلیں گے, وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ, قرآن پڑھیں گے جو ان کی حلق سے آگے نہیں بڑھے گا, يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّ, دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے, ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ, پھر وہ اس کی طرف پلٹیں گے نہیں یہاں تک کہ تیر جو ہے اپنے سوفار کی طرف, فوق کا ترجمہ دیا ہے سوفار, سوفار کی تشریح انہوں نے حاشیہ میں کی ہے کہ تیر کا وہ نچلا حصہ جس میں گڑھے جیسا ہوتا ہے اور وہ تانک میں لگا کر کھینچا جاتا ہے, تو وہاں تک کی طرف لوٹیں گے نہیں. قیلا ما سیماہم,
یہاں اس حدیث میں یہ ایک جملہ زائد ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ ان کی علامت کیا ہوگی، پوچھا گیا کہ ان کی کیا علامت ہوگی، تو آپ نے ایک پہچان ان کی یہ بتائی، سیماہم التحلیق او قال التسبید، ان کی پہچان تحلیق ہوگی، سر کو مونڈ دینا، یا تسبید کا معنی ہوتا ہے بال کو اکھیڑنا۔ یہ جو بہت زیادہ دینداری کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض مرتبہ، تو وہ اپنی انتہائی درجے میں یہاں جاتے ہیں کہ اپنے بال کو مونڈ دیتے ہیں۔ تو خوارج کی ایک علامت بال کا مونڈنا دیگر چیزوں کے ساتھ ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں۔ ہاں بعض ایک میرا خیال ہے نواب صاحب کا، نواب صدیق اعظم خان نے کہہ دیا کہ حلق نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامت بتائی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بذات خود جب انہوں نے یہ سنا کہ غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی غسل سے خالی نہیں رہنا چاہیے، ایک معمولی سی جگہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ تب سے میں نے بالوں سے دشمنی کر لی، اپنا بال صاف کر لیتے تھے اس ڈر سے کہ بالوں کی وجہ سے کہیں غسل وغیرہ میں جو ہے وہ پانی پہنچنے سے رہ نہ جائے، تو طہارت مکمل حاصل ہو۔ تو یہ پوری خارجیت نہیں ہے، لیکن خوارج کی ایک علامت ہے جس جو عام طور سے ان کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن یہ بہت ضروری بھی نہیں ہے۔ نمبر 10، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینشا نشون یقرؤن القرآن، کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو قرآن تو پڑھیں گے اور ان کی گلا حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، کلما خرج قرن قطع، جب بھی ان میں سے کوئی گروہ نکلے گا خروج کرے گا کاٹ دیا جائے گا۔ ہاں کوئی بھی، مطلب یہ کہ خوارج پیدا تو ہوتے رہیں گے، یہ فتنہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان کو ان کی جڑ بنیاد کاٹ دی جاتی رہے گی، بار بار پیدا ہوں گے اور ان کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا۔ قال ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد فرمائی کہ سمعت رسول اللہ کے رسول کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پہلے والی بات بھی حدیث ہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثم کلما خرج قرن قطع اکثر من 20 مرہ، جب بھی کوئی جماعت ان میں سے ابھرے گی تو اس کو کاٹ دیا جائے گا 20 سے زائد مرتبہ، یعنی یہ بار بار بات ہوگی۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے زمانے میں جو خارجی پیدا ہوئے اللہ کے رسول کے بعد میں، صرف وہی نہیں بلکہ 20 سے زائد مرتبہ۔ یہاں اس کتاب میں ہاں انہوں نے تاریخ میں خروج مسلمانوں کے خلاف، مسلم حکومت کے خلاف خروج کے مختلف واقعات نقل کیے ہیں، پورے پرانے ادوار، تاریخ کے ادوار سے لے کر آج کے دور تک ہمارے حال اور ماضی قریب کے واقعات بھی ایک عنوان قائم کیا کہ جدید دور میں اس کی مثالیں، تو اسے بھی نقل کیا۔ تو یہ خروج ہوتا رہے گا 20 مرتبہ سے زیادہ، حتیٰ یخرجو فی عرادہم الدجال، یہاں تک کہ ان کے عراض کی جگہ بعض حدیثوں میں بقیتہم ہے، کہ ان کے آخر میں دجال نکلے گا۔ مطلب یہ کہ خوارج کا خروج صرف ابتدائی دور میں ہو گیا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ مختلف ادوار میں سر اٹھاتے رہیں گے، ان کی مختلف شکلیں اور مختلف گروہ مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ آگے فرمایا، یہ روایت جو ہے یہ ابن ماجہ کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ 11، حضرت علی کی ایک روایت ہے، پچھلی روایتوں کی طرح ہے، اس کے اخیر میں یہ ہے کہ ان سے قتال کرنا، جنگ کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، خارجیوں کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں، اگر معلوم پڑ جائے کہ ان کے اندر خارجیت ہے تو سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے قتال کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور اس میں اجر و ثواب ہے، تو ان کی حمایت کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ کیسا ہوگا؟ آج ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارے زمانے کے خارجی کون کون سے لوگ ہیں، اور پھر ان کو پہچاننے کے بعد اگر ہم قتال نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو لائک نہیں کرنا چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ اس معاملے میں بڑی غفلت میں ہیں۔ آگے کی ایک روایت ہے، حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، اس حدیث میں ہی ہیں، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، وہ کہتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وخرجت خارجۃ بالشام فقتلوا، حضرت ابو غالب کہتے ہیں کہ شام میں خروج کرنے والی ایک جماعت نکلی
और उनको कत्ल कर दिया गया। फ़ौलको फ़ी जुब्बिन औ बिरिन औ फ़ी बिरिन, मार कर उनको एक कुएं में, अब वो लफ्ज़ जुब कहा या बिर दोनों का माना एक ही होता है, उनकी लाशों को एक कुएं में डाल दिया गया। काला फ़अक़बला अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु वा अना माअहू, हाँ हज़रत अबू गालिब कहते हैं कि अबू उमामा जो सहाबी रसूल हैं, अबू उमामा उन लाशों की तरफ मुतवज्जे हुए और मैं उनके साथ था, ये ताबेई हैं वो सहाबी हैं, मैं उनके साथ था। हत्ता वक़फ़ अलैहिम सुम्मा बका, सहाबी रसूल उन लाशों के पास खड़े हुए और रोने लगे। सुम्मा क़ाल, फिर कहा सुबहान अल्लाह मा फ़अला शैतान बिहाज़िहिल उम्मा, अल्लाह पाक है सुबहान अल्लाह, शैतान ने इस उम्मत के साथ क्या किया। उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हैं लेकिन ऐसी गुमराही के शिकार हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं सहाबी रसूल। किलाबुन्नार 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 सलासन, तीन मरतबा उन्होंने कहा कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, जहन्नम के कुत्ते हैं, जहन्नम के कुत्ते हैं। हाँ, शर्र कतला तहका जिल्ली समा, ये आसमान के नीचे सबसे बदतर सबसे बुरे मकतूल हैं। यहाँ इन्होंने जो कुत्ते का लफ्ज़ कहा, हाँ तो अल्लामा मनावी की शरह इन्होंने हाशिए में नकल की कि इन्हें कुत्ता क्यों कहा गया, जहन्नम का कुत्ता, ये कहा इसलिए कहा गया कि ये कुत्तों की कुत्ते जिस तरह भूखते हैं जहन्नम में उसी तरह भूखेंगे, या ये माना है कि वो जहन्नमियों के बीच भी ऐसे ही हकीर और कमतर होंगे जैसे दुनिया की मखलूकात में लोगों के नज़दीक कुत्तों का दर्जा हकीर होता है। हाँ, कमा अनल किलाब, हाँ जानवरों में सबसे ज़्यादा हकीर और खसीस माना जाता है, हमारे यहाँ भी लोगों को किसी इंसान को अगर बुरा भला बोलना होता है तो कुत्ता कह के पुकारा जाता है, ये मकसूद होता है कि हम उसको कम दर्जे का बता रहे हैं। हाँ, चुनांचे अब उनको जो कुत्ता बोला गया और उनको किलाबुन्नार बनाया अल्लाह ताला ने, क्यों बनाया उसकी वजह बयान करते हुए शारहीन कहते हैं कि मोमिन और एक खारजी में क्या फ़र्क होता है कि मोमिन जो है वो सतर पोशी करता है, रहम और नरमी बरतता है। हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, जहन्नम के कुत्ते खारजियों को कहा गया, क्यों कहा गया, आगे आ रहा है ये मोमिन और खारजी का मुवाजना। एक मोमिन दूसरों के लिए अगर ऐब जानता है बुराइयां जानता है तो छुपाता है, ढांकता है, सतर पोशी करता है, उसके सामने किसी मुसलमान की बेइज्जती की जा रही है तो उसका दिफा करेगा। हाँ, ये मोमिन का शेवा होता है, सहाबा और अहले ईमान ऐसे ही होते थे। हाँ, यस्र वयरहम और रहम करता है, वयरजुल मग़फ़िरत व रहमा और मग़फ़िरत बख्शिश और रहमत की उम्मीद रखता है दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करके। वलमफ्तू इसके बिलमुकाबिल वलमफ्तूनुल खारिजी, वो खारिजी जो फितने में मुब्तला है, यह देखो वयुईरो वयखनतु कि वो जो है लोगों की इज्जतों को तकद्दस को इज्जत को पामाल करता है, लोगों की बेइज्जती करता है, कीचड़ उछालता है उनकी इज्जत पर और उनको आर दिलाता है। अगर कोई गलती किसी से वाकई में सरजद हुई तो मोमिन आर नहीं दिलाता। आप सहाबा कराम के वाकयात पढ़िए, बाज़ वाक़ियात हम जानते हैं ना, हाँ फ़लाँ सहाबी से ये ख़ता हो गई, बाद में इसलाह कर ली, जेना करने वालों से जेना हुआ, हज़रत खालिद बिन वलीद का एक जुमला मिलता है, अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन सरज़निश की जब उसको उनको रजम किया जा रहा था तो उन्होंने खून का छींटा आया, हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुछ सख्त जुमला कह दिया, अल्लाह के रसूल को पता चला तो आपने कहा कि तुमने उनको बुरा कहा, ये जो दोनों पहाड़ियाँ इनके बीच के लोगों की अगर मैं इसकी तौबा बांट दी जाए तो लोगों की बख्शिश हो जाए। ऐसे एक दो वाक़यात हुए और फौरन इस्लाह कर दी गई। इसके अलावा आप मिसाल नहीं पाएंगे कि सहाबा ये कहते हों, हातिब नबी बलता को कभी खिताब करके कहूँ, अरे तुम वही थे ना जिन्होंने ख़त लिख कर मक्का वालों को जो है खबर करने की कोशिश की थी और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे खिलाफ़ तुम्हारे ताल्लुक से ये आयत नाजिल की, हज़रत उमर ने कहा था कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दो गर्दन मार दूँ, ये मुनाफिक हो गया, इसने अल्लाह और रसूल की ख़यानत की है। किसी एक सहाबी ने भी इस तरह ताना नहीं दिया, लेकिन हमारे यहाँ कोई एक भी नहीं होता जो शायद ताना देने से रुके, किसी की कोई बुराई मालूम पड़ जाए। तो ये खारजी जो हैं क्या करते हैं, ये खारजियत है हमारे अमल में। हम कितने भी बड़े कुरान हदीस के मानने वाले बने, ये कुछ औसाफ हमारे यहाँ गुमराही के हैं, मोमिनाना शान नहीं है, खारजियत है। किसी का कोई ऐब मालूम पड़ जाएगा, अभी हमारे यहाँ तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐब होता भी नहीं है लोग बयान करते हैं, जो है नहीं वो बयान करें आप, और जो नहीं है वो बयान करें तो और बुरा है। तो
उसकी बेइज्जती बेइज्जती करना, आर दिलाना और फिर नाउम्मीद बनना और बनाना, ये खारजियत है। वहाज ही अखलाकुल किलाबे व अफ़ालहिम अफ़ालहुम, ये जो रविश है ना, ये कुत्तों के काम और उनके अफ़ाल हैं, कुत्तों की आदत है। हाँ, बेइज्जती करना, हकीर और खसीस चीज़ों को सरेआम लोगों के सामने फैलाना, चीखना चिल्लाना, कुत्ता और कुतिया जो है लोगों के सामने जो हरकतें करती हैं। फलम्मा कलबू अला इबादिल्लाह, तो जब ये अल्लाह के बंदों पर दुनिया में ये लोग पिल पड़े। खारजी क्या करते थे, मुसलमानों को दुश्मन, मुसलमानों को काफिर कहना, मुसलमानों की मुखालफत करना, उमरा और हुक्काम के ख़िलाफ़ कहना, और ख़ास तौर से उलमा को निशाना बनाना। आगे इस किताब में इन्होंने बाकायदा मज़मून लिखा, उन्वान कायम किया कि खारजियत की असल जड़ और बुनियाद है हुक्काम और आइम्मा, आइम्मा और उलमा को निशाना बनाना। आज ये हमारे यहाँ बिल्कुल आम और कॉमन है खारजियत की ये सिफत, वो तहरीकियों में नहीं, अहले हदीसों में खारजियों की ये सिफत, उलमा और आइम्मा को निशाना बनाना। ये मैं कह रहा हूँ या किसी ख़ास पसे मंज़र में कह रहा हूँ, नहीं, ये किताब है, ऐसी बीसियों किताब आज आपको मिल जाएगी मार्केट में जो खवारिज की अलामत बयान करती है। हाँ, अभी इसमें आपको ये चीज़ें वजाहत के साथ मिलेगी, हदीसों में भी उसका तस्करा है। तो जिस तरह ये जो है लोगों पर कुत्तों की तरह पिल पड़ते हैं, भौंकने लगते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, कुत्ता जो है कोई नया आदमी आ गया तो किस तरह भूखता है, ऐसे ये अल्लाह के बंदों पर भूखते हैं, भूखते रहे, खारजी भूखते हैं। आज देखिए कोई वाकया हुआ, अभी उसकी तहकीक नहीं की, हाँ मैं हमारे मुखालिफ हैं, सऊदी अरब की तरफ से हुआ, तो आज के दौर के जितने तहरीकी हैं खारजी वाकया की तस्दीक किए बगैर, तफसील जाने बगैर फौरन तबसरा, तनकीद, मुखालफत और लोगों में हंगामा और राय आम्मा को जो है उससे जो है मजरू करना और उनके हम फिक्र लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये खारजियत की अलामत इस किताब में बयान की गई है कि सच्चे लोगों के खिलाफ मीडिया में, सोशल मीडिया में, तकरीरों में, तहरीरों में, किताबों में उल्टी सीधी बातों को, उनके ऐप को आम करना, एक होता है मनहज का मामला, एक होता है ज़ाती या शख्सी गलतियों का मामला। हाँ, अभी आप इसमें पढ़ेंगे कि ईमान मोमिनाना तरीका क्या है, गलतियाँ हों तो इस्लाह की जाए, कैसे की जाए उसके आदाब बताए गए। ये मीडिया में बयान करना, मैंने एक गलती की, आप जाके लोगों को बता रहे हैं, आप सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, आप अखबार में लिख रहे हैं, इससे फ़ायदा है कि नुकसान है, ये शरीयत के मुताबिक है कि शरीयत के खिलाफ है, आप फतवा दीजिए। आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिए कि एक आदमी की गलती आपको हमको पता चलती है, हम उसको जाकर बयान करके कि आप इसकी इस्लाह कर लें, इसकी बजाय लोगों में बयान करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मज़े लेते हैं, लोगों को बाखबर करते हैं, अरे सुना फला ने ऐसा किया, इससे क्या फ़ायदा है बता दीजिए, एक फ़ायदा बताइए, और नुकसान कितने हैं आप खुद सोचेंगे तो 5-7 नुकसान आपकी समझ में आ जाएगा। गुनाह की तशहीर करना, एक शख्सियत की इज्जत को मजरूह करना, गीबत, चुगली, बोहतान जो भी हो वो गुनाह। मजीद ये कि अगर वो मोहतरम शख्सियत है, अगर वो आलिम है, अगर वो ऐसा है जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपकी इस तशहीरी मुहिम से उससे लोग फ़ायदा उठाना रोक देवें, तो आपने उसके फ़ायदे के रास्ते में रुकावट डाली। हमारे यहाँ ये तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, दीन दीन हक हक का नाम लेते हैं लेकिन दीन का चाहने वाला कोई है ही नहीं। इस सिलसिले में दीन का नुकसान हो, जमात का नुकसान हो, जमात टूटती है, लोग जमात कमज़ोर होती है, इसका ख्याल नहीं है खारजियत ने। हाँ, इसमें इन्होंने आगे बयान किया है हर वाक़े के बाद कि इस खुरूज और खारजियत का कितना नुकसान है, उम्मत को सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन ये खारजी इसको समझने के लिए तैयार नहीं। यही है कुत्तापन, ये जो हदीस में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने बताया कि जब वो बंदों पर कुत्तों की तरह पिल पड़े, कलबू अला इबादिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कुत्तों की तरह पिल पड़े, भूखने लगे, व नज़र लहुम बेआन नक्स वल अदावत व दखल उन्नार सारुफी हयात आमाल किलाबन, चुनांचे बंद अल्लाह के बंदों को उन्होंने नक्स और हकारत की निगाह से देखा, दुश्मनी की निगाह से देखा, और जब जहन्नम में दाखिल हुए तो फिर जहन्नम में वो कुत्तों के आमाल की हयात में बना दिए जाएंगे, जैसा कि वो दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक, नेक लोगों के खिलाफ कुत्ते बने थे, अल्लाह ने जहन्नम में उनको कुत्ता बना दिया। हाँ, उसी सिफत पर जैसे दुनिया में कुत्ता पना किया,
जहन्नम में वैसा ही उनको अज़ाब दिया जाएगा। ये हज़रत अबू उमामा ने जब बयान किया तो उनके शागिर्द अबू गालिब ने पूछा कि वो जहन्नम कूदते हैं, किलाबुन्नार किलाबुन्नार किलाबुन्नार, और फिर तीन मरतबा ये जुमला भी कहा कि आसमान के नीचे सबसे बुरे मकतूल हैं, आसमान के नीचे जो है शर्र कतला तहत ज़िल्लि समा, उसके बाद कहा खैर कतला तहत ज़िल्लि समा, खैर कतला तहत ज़िल्ला मन कतलू हो, और जिन लोगों को इन लोगों ने कत्ल किया वो आसमान के नीचे सबसे बेहतरीन मकतूल हैं। ये दो मरतबा जुमला कहा। ये खारजी जिनको जो मरे मारे गए हैं ये रुए ज़मीन के बदतरीन मकतूल हैं, और इन्होंने जिनको मारा मोमिनीन को वो रुए ज़मीन के आसमान के नीचे सबसे बेहतरीन बेहतरीन मकतूल हैं, कत्ल किए जाने वाले लोग हैं। फ़कुल तो या अबा उमामा, मैंने कहा अय अबू उमामा अशय उन तकुल बेराई का, क्या ये कोई ऐसी बात है जो आप अपनी राय से कह रहे हैं अपने दिमाग और अपनी राय से, हाँ अम शय उन समय तो मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ये बात जो आप बयान कर रहे हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, खारजियों को जो आपने कहा कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, जहन्नम के कुत्ते हैं और बदतरीन मकतूल हैं, इनको इन्होंने जिनको कत्ल किया बेहतरीन मकतूल हैं, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं अपनी राय से या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? तो उन्होंने कहा काला इन्नी इज़न लजरी उन इन्नी इज़न लजरी उन इन्नी इज़न लजरी उन सलासन, तीन मरतबा कहा कि अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तब तो मैं बहुत ज़्यादा जरी हो जाऊँगा, बहुत जरी हो जाऊँगा, बहुत जरी हो जाऊँगा, मेरी जुरत इतनी नहीं है कि मैं ऐसी बात अपनी जानिब से कहूँ। काला बल समयतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मर्रतिन वला मर्रतैन वला सलासन हत्ता अद्दा अशरन, कि मैंने ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, यहाँ तक के का दस तक गिनाया कि दस मरतबा से ज़्यादा सुना है अल्लाह के रसूल सल्लम को ये फरमाते हुए। समय तो रसूल अल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लम को ये कहते हुए सुना सयाती कौमुन यकरऊन अल कुरान, एक ग्रोह अनकरीब आएगा जो कुरान पढ़ेंगे लायुजावेजो तराकीहिम, जो उनकी हलक और गर्दन से आगे नहीं बढ़ेगा, औ लायादु तराकीहिम, दोनों अल्फाज का मफहूम एक ही होगा, यमरुकून मिनल इस्लाम कमा यमरुकु सहम मिनर रमिया, इस्लाम से ये इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को छेद कर बाहर निकल जाता है, लायऊदून फिल इस्लाम हत्ता यऊद सहम अला फूकही, इस्लाम में ये वापस नहीं लौटेंगे यहाँ तक के तीर जो है खुद अपने कमान के निचले हिस्से की तरफ अपने तीर के निचले हिस्से की तरफ ना पलट आए। तूबा लिमन कतलहुम औ कतलूहु, उन शख्स उन लोगों के लिए मुबारकबादी है जिन्होंने उनको कत्ल किया या उन्होंने जिनको कत्ल किया, या तो खारजियों को जिसने मारा या खारजियों ने जिसको मारा, वो लोग काबिले मुबारकबाद हैं। ये रिवायत जो है इमाम तिर्मिज़ी इब्न माजा इमाम अहमद हाकिम ने मुस्तदरक ने इमाम आजुर्री ने भी नकल किया और उन्हीं के अल्फाज हैं, इमाम अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह ने सहीह तिर्मिज़ी में इसको सही कहा है। हाँ, ये आखिरी एक रिवायत इन्होंने पेश की है हदीसों के तनाजुर में, कहा कि अतई तो अन सईद इबन जमहान, सईद इबन जमहान ताबेई हैं, कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं उनके पास आया, वह हुआ महजूबुल बसर, इस हालत में कि वो महजूबुल बसर हो गए थे, यानी जिनकी निगाह पर पर्दा पड़ गया, मतलब आखिर वक्त में निगाह नहीं रही, बीनाई चली गई। हाँ, फसल्लम तो अलैह, मैंने आप पर सलाम किया, क़ाल अली मन अंता, पूछा आप कौन हैं, फ़कुल तो अना सईद इब्न जमहान, मैं सईद इब्ने जमहान हूँ, मैंने जवाब दिया, काला फ़मा फ़अल वालिदुक, तो उन्होंने सवाल किया कि आपके वालिद साहब ने क्या किया, काला कता कुल तो कतलतहुल अज़ारिका, मैंने कहा कि उन्हें अज़ारिका ने कत्ल कर दिया, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये नाफे बिन अज़रक नाम था शख्सियत का, जो सन 65 में इराक में ज़ाहिर हुआ, फितनों की सरजमीन मशरिक की तरफ जो बयान किया गया, हाँ, और बसरा पर उसने जो है तसल्लुत हासिल किया, फिर जो है अहवाज की तरफ मुंतकिल हो गया, और उससे बहुत ही शदीद किस्म के शनि और कभी आमाल सरजद हुए, जैसे औरतों का कत्ल करना, बूढ़ों और बच्चों का कत्ल करना, यहाँ तक कि ये लोग जो हैं वो हांडियाँ खौलाते थे और उसमें बच्चों को डाल देते थे, फिर उनसे महलब इब्न अबी सुफरा ने वो उनसे कताल किया और उसका खात्मा किया। ये अज़ारिका और खवारिज ये मुसलमानों के सिलसिले में बहुत बेरहम
और कत्ल को जायज़ समझने वाले। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये इनका इनकी पहचान यही है कि मुसलमानों को काफिर गुनाह की वजह से काफिर कहना। हज़रत अली और अजीम अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन मुसलमान हज़रत अली को हज़रत अमीर माविया और दीगर सहाबा कराम को इन्होंने काफिर करार दिया, उनके खून को जायज़ माना कि इनको मारा जा सकता है। और इस कत्लो गारत गरी में ये औरतों बच्चों में कोई तमीज़ नहीं करते। अभी पीछे जो दाइश वाले ग्रोह का हमने देखा और उसका इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये सलफ़ी हैं, ये फलाँ हैं, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इब्न तैमिया की फ़िक्र से मुतासिर हैं, इंतहाई झूठ बात। बाद में तफासिल खुद बखुद आई और अब वो मामला उतनी शिद्दत में नहीं रह गया, दुनिया को पता चल गया कि उसमें दरूज हैं, उसमें खारजी हैं, उसमें शिया हैं, ईरान का के शियों का भरपूर सपोर्ट है और उसमें इख्वानी हैं। है ये बात अमेरिका के हाँ बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने जो है कबूल की, उनके बयान जो हैं यूट्यूब चैनल्स और उनके जो मौाक़े हैं क्या बोलेंगे उसको वेबसाइट्स हैं उस पर मौजूद थे, अभी पता नहीं है कि नहीं। बात तो मैंने खुद देखे अरबी में अंग्रेज़ी में ऐसे भरमार थी। और ये बात अब पाया सबूत को पहुंच चुकी कि ये जो तहरीकी औसाफ हैं यहाँ तक के इख्वानुल मुस्लिमीन, इनका ताल्लुक अंदर से गहरे तौर पर अमेरिका से और आलमी ताकतों से है, मगरबी दुनिया के लोगों से है। कोई माने या ना माने, कितना भी इनकार करें नाराज़ हो, ये रिकॉर्ड पे आ चुकी है बातें, बहुत सारे लोगों ने इसको बेनकाब किया है। खैर, तो कहा जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे वालिद ने क्या किया, उनका क्या हुआ, तो कहा अज़ारिका ने, ये खारजियों का एक ग्रोह, इन्होंने कत्ल कर दिया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कह रहे हैं लान अल्लाहुल अज़ारिका, लान अल्लाहुल अज़ारिका, अल्लाह अज़ारिका पर लानत फरमाए, अल्लाह अज़ारिका पर लानत करे, वो मलऊन हो। قد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كلاب النار, हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हदीस बयान की कि ये लोग जहन्नम के कुत्ते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा कह रहे हैं कि हमसे अल्लाह के रसूल ने ये बयान किया कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। तो हज़रत सईद बिन जमहान ने सवाल किया, कुल तो वो कहते हैं कि मैंने पूछा अल अज़ारिका तो वहदहुम अमिल खवारिज कुल्लुहा, के सिर्फ अज़ारिका, सिर्फ अज़ारिका जहन्नम के कुत्ते हैं या सारे खवारिज। इस जुमले से भी जाहिर है कि अज़ारिका खवारिज का एक ग्रोह है, हाँ, तो सारे खवारिज जो हैं खारजी वो जहन्नम के कुत्ते हैं या सिर्फ अज़ारिका। तो काला, उन्होंने जवाब दिया बलिल खवारिज कुल्लुहा, नहीं बल्कि सारे खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। काला कुल तो, तब मैंने कहा फ़इन्नस सुल्ताना, देखिए ये सीख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सहाबी रसूल से, फ़इन्नस सुल्ताना यज़लिमुन्नास वयफ़अलु बिहिम, तो आपने ये कहा। अब ऐसा भी तो होता है ना कि सुल्तान यानी बादशाह हाकिम वो लोगों पर जुल्म करता है और उनके साथ अमल करता है, मतलब उन पर ज़्यादती करता है, यानी बादशाह की तरफ से हाकिम की तरफ से कभी कभी ज़्यादतियाँ होती हैं। गोया ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अब एक आदमी खुरूज कर रहा है, खारजी का नाम खुरूज इसी एतबार से कि जो इमाम वक्त से बगावत करे, उससे खुरूज और उसकी मुखालफत करे। तो इन्होंने कहा कि जब सारे खारजियों को कह रहे हैं कि वो इस तरह के अंजाम से दो चार होंगे, तो अब इमाम और हाकिम भी तो कभी कभी जुल्म करते हैं और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। तो काला फ़तना वाला यदी फ़ामा जहा बेद ही गमज़तन शदीदा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा ने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी तेज़ से दबाया और कहा वैहका या इब्न जमहान, है इब्न जमहान तेरा बुरा हो, वैहका ये जिसे बोलते ना सत्यनाश हो, या तकिया कलाम के तौर पे, ये अरबों का एक तरीका, हाँ वैहका या इब्न जमहान अलैक बिस सवादिल आज़म, अलैक बिस सवादिल आज़म, हाँ तुम्हारे ऊपर सवाद आज़म लाजिम है, सवाद आज़म लाजिम है। जब एक हाकिम मुकर्रर हो गए, मुसलमानों ने हाकिम मान लिया, तो अब जमात को जो अक्सरियत है उसको पकड़ो, ये अक्सरियत वो वोट देने वाले मामले में नहीं, एक चीज़ पर सारे लोग मुत्तफिक हो गए हैं उस मामले में। इनका न सुल्तान हो यश मामिन का, हाँ अगर अब आगे हते अब्दुल्ला बिन अबी औफा बयान कर रहे हैं कि अगर हाकिम वक्त तुम्हारी बात सुनता हो फ़ातही फ़ी बैतही फ़अख़बिर हो बेमा तआलम, बहुत ये देखिए इस्लामी तरीका, ये आज हमारे यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं है कि अगर किसी बादशाह में हाकिम में आप गलती देख रहे हो और वो सुल्तान तुम्हारी बात सुनता है, तो तुम उसके घर में पहुँचो, उसके पास आओ, फ़ाखबिर हो बेमा तालम,
और जो तुम उसकी बुराई खराबी गलती जान रहे हो उससे मुत्तला करो कि देखिए फ़लाँ फ़लाँ फ़ैसला आपने किया, फ़लाँ काम जो आपने किया वो दुरुस्त नहीं है, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है, इससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। अच्छे अंदाज में आप उसको समझाएं, बताएं, उसको ख़बर दें। फ़इन क़बिला मिनका, अगर वो आपसे कबूल करता है बात को तो ठीक है, व इल्ला फ़दअहु, और अगर नहीं कबूल करता तो उसे छोड़ दो। फ़इन्नका लस्ता बिअअलम मिन्हु, ये देखिए सहाबी के कलाम में छोटे जुमले में बड़ी किताब है कि इसलिए कि तुम उससे ज़्यादा इल्म नहीं रखते। आपने हाकिम वक्त से अपनी जमात के बड़े से एक बात बयान की, आपको लग रहा है कि वो गलत फ़ैसला कर रहे हैं, तो आपने मुत्तला किया, अपना ख्याल बताया कि ऐसा ऐसा है, उसने मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो छोड़ दो। उसमें एक पहलू ये भी बयान किया कि वो तुमसे ज़्यादा इल्म वाला है, क्या मतलब? कई बातें ऐसी होती हैं कि कुछ फ़ैसले ख़ास हालात ख़ास तकाज़ों की रोशनी में करने पड़ते हैं। एक हाकिम वक्त, एक बादशाह, एक सियासतदान, किसी इदारे का ज़िम्मेदार किसी ख़ास पसे मंज़र और हालात व तकाज़े की रोशनी में कोई फ़ैसला करता है। अब वो ये नहीं कर सकता कि उस फ़ैसला करने की वजह एक एक आदमी को बताता फिरे। हमारे यहाँ कोई फ़ैसला होता है, लोग आते हैं तो ऐसी बात बताने की कभी कभी कोशिश करते हैं जो सभी को मालूम होती है। वो कहता है कि हाँ ये मैं जानता हूँ, हाकिम कहता है, लेकिन अब ये अपनी हक गोई और जो है इस्लाह की बात करने की कोशिश करता है। वो कह रहा है कि मैं ये जानता हूँ लेकिन कुछ वजह से मैंने किया, तो अब वो कहता है नहीं, क्या वजह है, क्यों किया है? जमहूरियत ने यह मिजाज बिगाड़ दिया। क्या वक्त का बादशाह हाकिम अपनी सारी हिकमतें, छुपी हुई बातें, राज और ज़रूरतें सारे लोगों को बयान करेगा? आज जो लोग जमहूरियत के कायल हैं ना, बोलते हैं हर चीज़ जो है अवामी तौर पर, जमहूर के तौर पर बयान करना चाहिए, उनके यहाँ भी राजदारी, कुछ लोग कह देते हैं कि ये नेशनल इश्यूज़ हैं, ये मुल्क की एकता और अखंडता का मामला है, इस बारे में जो है हम जो है इंफॉर्मेशन के जो हक दिया गया है उसके बारे में दे नहीं सकते, तो इसमें भी कॉन्फिडेंशियल होता है। हाँ, पार्लियामेंट और हुकूमत के मामलात में जो है राजदारी का हल्फ उठाया जाता है कि कई मामलात ऐसे होते हैं जिनको लोगों में आम नहीं किया जा सकता, तो मानना ही पड़ता है। खैर, तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बयान किया। अब यहाँ हाशिए में एक बात इन्होंने कही है कि इस तौजीह से जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा ने वजाहत की, इससे ये फ़ायदा मिलता है कि हाकिम का जुल्म उस पर खुरूज को जायज़ नहीं बनाता। क्या जुमला कहा है कि एक हाकिम अगर जुल्म कर रहा है तो उसके जुल्म को उज्र और बहाना बनाकर कोई ये कहे कि हम इसके बागी बन जाएं, इसकी मुखालफत करें, ये जायज़ नहीं। हाँ, वला यकून नुस्हुल हाकिम तौजीहुहु अन इलान, दूसरी बात क्या मालूम होती है, अन तरीक़े इलान ज़ालिक, कि अगर कोई शख्स किसी हाकिम के अंदर बुराई देख रहा है तो उस बुराई के इजाले और इस्लाह के लिए ऐलान और लोगों में बयान करने वाला तरीक़ा इख्तियार नहीं करना होगा कि उसको मजलिसों में उसको फैलाया जाए, सफ़ात और सहीफ़ों अखबारात के सफ़ात पर लिखा जाए, वफ़ी वसाइल इल-इलाम और मीडिया के मुख्तलिफ़ वसाइल में जो ज़राए इब्लाग हैं उनके अंदर इसको फैलाया जाए। वलाकिन फ़ीमा बैनन नासिह वल हाकिम, बल्कि ये जो इस्लाह का काम होगा नसीहत करने वाला शख्स और हाकिम इन दोनों के दरमियान बात होगी। वह बेहदा युद्दी मा यजिब वाले, जब वो ये काम करेगा तो अपने ऊपर आयद हक को उसने अदा कर दिया, जो उस पर वाजिब है उसने पूरा कर दिया। वह अम्मा माशा आमी मुनकरातिन, हाँ कभी ऐसा होता है अगर कोई बुराई है इस्लाह के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ जाएँ। देखिए ये जो बात लिखी है इन्होंने आखिर में तफसील पर से गुफ्तगू की है के अखबारात में सोशल मीडिया पर लोगों में बयान नहीं किया जाएगा, ये खारजियत है, आप खामोशी से बयान करें जो साहिब मामला है उससे। अब कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो आम हैं, सरे आम हैं, तो वह अम्मा शाह में मुनकरात, जो मुनकरात फैले हुए हैं तो उससे आदमी डरेगा, बचेगा, हाँ, और उससे डराएगा, लोगों को बताएगा देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। मिंदू ने तस्मियत लिफा, उसको करने वाले का नाम लिए बगैर और ना ही उसके ज़िम्मेदार का नाम लिए बगैर, करने वाले और ज़िम्मेदार का नाम लिए बगैर इस्लाह करेगा, ये एक बात। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप किसी गुमराह फ़िरके का तस्करा कर रहे हैं तो उसका नाम ना लें, जैसा कि आज हमारे यहाँ लोग करते हैं। हाँ, अभी मौका नहीं है, वक्त ख़त्म हो रहा है, हो गया है, तो वरना मैं बताता कि हमारे उलमाए सलफ़ व खलफ़ में बाज़ मकामात पर अवाम को जो अवामी फितने होते हैं
अवामी सतह पर जो फितने हो गए, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि इनकार हदीस वाला, अब कोई शख्स है जो मुनकर हदीस है और उसके फितने से, उसकी तकरीरों से, खिताबात से लोग जो है मुतासिर होकर हदीस के इनकार के कुफ्र में चले जाते हैं, तो अहले इल्म कहते हैं कि यहाँ वजाहत से अवाम को बताना चाहिए कि उसके यहाँ ये गुमराही है। जो अपने फिक्र को, गुमराही को आम कर रहा है और उसका फितना आम है, तो ये अलग अलग मौके हैं, अलग अलग हैसियतें हैं, कहाँ किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है, ये मलहूज़ रखा जाए। हर जगह शरई तालीम और आदाब का लिहाज किया जाएगा। यहाँ इन्होंने जो हदीसें पेश की वो मुकम्मल हुई। इसके बाद इन्होंने दूसरी फसल में उनवान कायम किया कि उन अहादीस के बाब में जो समता वलात उमूर, जो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों और हुक्काम और मुसलमानों के जो किसी भी जगह के ज़िम्मेदार हों, उनकी समता से मुतालिक जो हदीसें आई हैं। इस सिलसिले की कई हदीसें हैं, इसमें बाज़ हदीसें अहमियत की हामिल है। मैं अगले दर्स में इसमें से इंतखाब करके दो तीन हदीसों को सिर्फ पेश करूँगा। आज का हमारा वक्त तकमील को पहुँच रहा है। ये जो रिवायतें हैं और इनमें खवारिज की जो सिफात और औसाफ बयान की गई हैं, इनको अच्छी तरह जहन नशीन रखें और गौर करें कि हमारे गिर्द पेश में कुछ लोग अमली तौर से ख़ता करते हैं, अमली तौर से ये होती है, ये अलग बात है। कुछ लोगों का मनहज ही यही है। तहरीकियत ने आज के ज़माने में अपना मनहज ही ये बना लिया, लिहाजा उनके यहाँ खारिजियत है। हम आगे उसे तफसील से जानेंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें सही दीन को समझने और उसे इख्तियार करने की तौफीक अदा फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।